हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक केस स्टडी करेंगे जो कि सर्कल्स पर बेस्ड है। तो सर्कल्स के बारे में आप सब जानते ही हैं, सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। फिर यहाँ जो येलो पोर्शन है, दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ दो रेडियस के बीच में त्रिज्य खंड कहलाता है, लघु त्रिज्य खंड, और इस साइड देखें तो दीर्घ त्रिज्य खंड, माइनर एंड मेजर। एंड अगर कॉर्ड से आपका सर्कल दो हिस्सों में बटता है तो हम इसे सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी सर्कल के ऊपर हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। अब हम अपनी केस स्टडी करेंगे। यह हमें एक डायग्राम दिया गया है, सर्कुलर पार्क है और यहाँ कुछ फेंसिंग की गई है, डिटेल आपको यहाँ से पता चल जाएगी, अदरवाइज फिगर इज वेरी वेरी क्लियर। तो देखिए बेटा, एंगल ए 100 का शो कर रखा है, यहाँ 80 का एंगल शो कर रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आप देखिए इसके सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। नेक्स्ट देखिए, इस चतुर्भुज की विशेष बात क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो क्या है, साइक्लिक है तो इसके आमने सामने के कोण कैसे होंगे, 180 डिग्री के, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री या संपूरक जिसे हम कहते हैं। तो आंसर इज बी। छायांकित क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, व्हाट विल यू कॉल द येलो साइडेड शेप ओ बी सी। ये देखिए ओ बी सी जो आपका ये शेड किया गया है, ये त्रिज्य खंड है, दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ, सो इट इज सेक्टर। नेक्स्ट है एंगल ए बी सी का मान बताइए। ए बी सी यहाँ 80 है, तो 80 के सामने बी कितने का बनेगा, दोनों मिला के 180 के हैं, तो वेरी इजी, बी कितने का हो गया, 100 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए एंगल पी सी डी का वैल्यू बताइए। पहले देखिए पी सी डी ये एंगल है ना बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर का एंगल तो हमें पता चल सकता है, एंगल सी इस साइड का, क्योंकि ये 100 के अपोजिट है, तो कितने का होगा ये वाला एंगल। अगर मैं इसको नंबर दे देती हूँ, इसको हम कह देते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2। अब 1 एंगल कितने का होगा, 180 माइनस 100 है ना, क्योंकि दोनों मिला के 180 के हैं, तो ये आ गया 80 डिग्री का। अब आप देखिए 1 और 2 दोनों मिला के कैसे बन रहे हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर है ना, 1 प्लस 2 दिस इज आल्सो वंस अगेन 180, रीजन लीनियर पेयर। तो 2 कितने का हो गया, अगर ये 80 का है तो 2 इसका मतलब 100 डिग्री का है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बी आर सी बताइए। अगर एक इस तरीके से लाइन हमें ड्रॉ करके दी जाती है, तब उसने पूछा एंगल बी आर सी बताइए। अब यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए बी और सी से सेंटर पे आप बना रहे हैं 70 डिग्री का एंगल, और बी और सी से ही हमारा आर पे बन रहा है, बाकी हिस्से में बन रहा है कोण, तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि एंगल पे बना कोण बाकी हिस्से में बने कोण का दुगना होता है अगर सेम आर्क हो। तो आर्क तो हमारी सेम है बी सी, तो अगर ये 70 का है तो याद रखना है बाकी हिस्से का आधा होगा उसका, तो 70 का आधा 35, आंसर इज सी। सो यहाँ बेटा हमारी ये केस स्टडी खत्म होती है, इसे ध्यान से समझिए। इसी तरह की केस स्टडीज हमारे पेपर में भी आती है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।